नमस्कार बच्चों, ज्ञानदीप कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 के विषय गणित में मैं प्राची बहुगुणा आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इससे पहले की कक्षा में हम लोग कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं शुरू कर चुके हैं। उसमें मैंने आपको रेखाखंड, रेखा, बिंदु, प्रतिच्छेदी रेखाएं करा चुकी हूँ और हम लोग बात कर रहे थे समांतर रेखाओं पर। तो बच्चों थोड़ा सा आप रिकैप कर लीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ा था। बिंदु आपको पता है, आप इस पर कोई भी डॉट बनाएंगे वो आपका बिंदु होगा, ठीक है। अगर मैं एक रेखाखंड की बात करती हूँ तो इसको आप क्या कीजिए, इसको आप यहाँ से कहीं से भी आप इसको ऐसे मोड़ लीजिए, इसकी एक क्रीज बन जाएगी। फिर इसको आप ऐसे खोल दीजिएगा तो जो ये क्रीज आपको दिख रही है, ये जो आपको क्रीज दिख रही है बच्चों, ये क्या है, रेखा खंड है, ठीक है। ये रेखा खंड की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए है, ओके। और इसी तरह से अगर हम एक दूसरी शीट लेते हैं, उस शीट पर हम एक इस तरह से मोड़ते हैं, ओके, इसे खोल देते हैं, ठीक है। और दूसरा हम इस तरह से मोड़ते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं, तो जो ये वाला पॉइंट है, ये देखो आप, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ये वाली लाइन, ओके। और जो ये वाली लाइन है, ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और ये जो इसका पॉइंट है, ये वाला, ये क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है। इसके अलावा मैंने समांतर रेखाओं का भी कॉन्सेप्ट आपके लिए शुरू किया था। तो देखो बच्चों, मैं एक यहाँ पर एक शीट में से मैंने एक फिगर बनाई है, इसमें आपको समांतर रेखाओं का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। जो ये वाली रेखा है, ये रेखा और ये रेखा, इनका तो एक पॉइंट है, ये तो आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, मिल रही हैं, इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु है। लेकिन जो ये वाली रेखा है और जो इसके नीचे वाली रेखा है, ठीक है, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, चाहे हम किसी भी डायरेक्शन में इसको बढ़ाएंगे, ये आगे नहीं काटेंगी। तो ये और ये समांतर है, ओके, और ये, ठीक है, और ये वाली और ये वाली समांतर है, ठीक है। तो ये दोनों समांतर और ये दोनों समांतर, ओके? तो इसको हम स्मार्ट बोर्ड पर समझते हैं। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे समांतर रेखाओं की। इससे पहले की कक्षा में समांतर रेखाएं मैंने शुरू किया था और थोड़ा सा इसको समझाने का आपको प्रयास भी किया था। एक मेज का जो हमें जिस तरह का हमें मेज का चित्र दिखाई देता है, उसके आधार पर मैंने इसको समझाया था, ठीक है। तो हम लोग फिर से एक मेज ड्रॉ कर रहे हैं, एक टेबल है ये, ओके, और ये इस तरह के हैं, ठीक है, ए बी सी एंड डी। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो ए बी और बी सी है वो बी से बी पर मिला था और जो सी डी और ए डी है वो डी पर मिला था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ए बी को देखो और सी डी को देखो तो क्या ये रेखाएं कभी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो ये हमारी क्या है, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। हम ये, और ऐसे ही ए डी और बी सी, ठीक है, ये वाली और ये वाली क्या है, आपस में समांतर है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए डी बी सी के समांतर है, ए डी है ना, तथा बी सी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, और सॉरी, चाहे इन्हें किसी भी दिशा में बढ़ाया जाए, चाहे इन्हें अनिश्चित लंबाई में, अनिश्चित लंबाई में किसी भी दिशा में बढ़ाया जाए, किसी भी दिशा में बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये क्या होती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसी तरह से जैसे AD और BC है, इसी तरह से कौन सी है, AB और CD, ये भी आपस में क्या है, समांतर रेखाएं। देखो बच्चों, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी,
है ना, इसको भी आगे बढ़ा रही हूँ, फिर भी चाहे कितना भी आगे बढ़ेंगी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। और अगर इसकी बात करें, इसको भी आगे बढ़ाओ और इसको आगे बढ़ाओ, चाहे उसको इस तरफ से बढ़ाओ, तो ये दोनों भी, ये वाली और ये वाली भी आगे नहीं मिलेंगी। तो ये क्या होती है, समांतर रेखाएं होती हैं। और समांतर रेखाओं को हम इस तरह से शो करते हैं, बीच में दो वर्टिकल लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, है ना, और इस तरह से। इसका मतलब ये है ए बी समांतर है सी डी के, क्लियर है। और इसके अलावा हम और लिख सकते हैं ए डी, ठीक है, ए डी समांतर है किसके, बी सी के, ठीक है। तो ए बी समांतर है सी डी के और ए डी समांतर है बी सी के, और ये जो साइन है ये वाला, ठीक है, ये साइन है समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके थोड़े उदाहरण कर लेते हैं बच्चों। इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, इसके उदाहरण हो सकते हैं जैसे रेल की पटरी, समांतर रेखाओं का उदाहरण है। उदाहरण क्या है, रेल की पटरी, ठीक है। इसके अलावा खिड़की की सलाखें, आपने देखा होगा अगर ये खिड़की है, इसकी ऐसी ऐसी सलाखें होती हैं, है ना, चाहे हम इनको इधर से बढ़ाएं चाहे ऊपर से बढ़ाएं, कभी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। तो खिड़की की सलाखें भी समांतर रेखाओं का क्या है, खिड़की की सलाखें, ठीक है, ये इसका उदाहरण है। इसके अलावा स्केल, जैसे ये स्केल होता है, ठीक है, ये स्केल होता है ना, तो ये वाला और ये वाला, ये क्या है, समांतर है, और ये भी क्या है, समांतर है, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, ठीक है, मतलब ये वाला समांतर है इसके और ये वाला समांतर है इसके, क्लियर है। तो ये क्या है, इसके उदाहरण है, यानी कि स्केल के सम्मुख किनारे भी समांतर रेखाओं का उदाहरण है, स्केल के सम्मुख किनारे, ठीक है। तो ये हमारे उदाहरण थे समांतर रेखाओं के। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है किरण, किरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रे, क्या बोलते हैं, रे, ठीक है। किरण भी क्या होता है, एक प्रकार से रेखा का ही भाग है। बच्चों रेखा तो अनंत होती है, ठीक है, तो उसी में से रेखाखंड बनेगा, उसी में से किरण बनेगी, तो किरण भी क्या है, रेखा का एक भाग है, रेखा का एक भाग है, ठीक है। और लेकिन इसमें बात क्या है, ये एक बिंदु से प्रारंभ होता है, एक बिंदु से प्रारंभ होता है, से प्रारंभ होती है, प्रारंभ होती है, और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है, क्या पढ़ा हमने, किरण रेखा का एक भाग है, एक बिंदु से प्रारंभ होती है और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है, इसको हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में हम इसको कहते हैं रे। तो क्या है ये, थोड़ा समझते हैं, देखो बच्चों, ये है आपकी टॉर्च। अब तो खैर इसका जमाना नहीं रहा, लेकिन पहले ये टॉर्च बड़े काम की होती थी, ठीक है। तो टॉर्च है और ये इसका छोटा सा बल्ब है, समझ आ रही है बात। अब इससे निकलने वाली किरणों को देखो, ठीक है, ऐसे ही सन है, इससे निकलने वाली किरणों को देखो, ये कुछ उदाहरण है किसके, किरण का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। देखो बच्चों,
ये है आपकी टॉर्च, ठीक है, और ये है सूर्य। देखो टॉर्च में अंदर एक छोटा सा बल्ब है जिसमें से किरणें निकल रही हैं। अब देखो ये तो इसका है प्रारंभिक बिंदु, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, आगे ये निकलती रहेंगी, आगे इनका कोई अंत नहीं है, लेकिन एक ही दिशा में। अब ये इस तरफ से तो पीछे नहीं, मतलब पीछे की तरफ नहीं बढ़ सकती हैं, ये इस तरफ नहीं बढ़ेगी, केवल आगे की तरफ ये अनंत रूप से बढ़ेगी। कहने का मतलब है जब हमने बात की थी रेखा की तो रेखा दोनों तरफ बढ़ी थी, इधर भी और इधर भी बढ़ी थी, लेकिन जो किरण होती है वो सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ती है। जो किरण होती है वो क्या होती है, एक ही दिशा में बढ़ती है, एक ही दिशा में बढ़ती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट को P ले लूं तो P इसका प्रारंभिक बिंदु है, P क्या है, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, और ये आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आगे ये समाप्त नहीं होगी। तो ये हो गई हमारी किरण। ऐसे अगर हम सन के केस में देखें, सूर्य के केस में, सूर्य, ये जो सूर्य है ये भी क्या है, एक, इसको भी एक हम क्या मान लो, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स इसको मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया इसका, अगर हम सन को ऐसा मान रहे हैं कुछ ऐसा, तो ये क्या है इसका प्रारंभिक बिंदु, कुछ इस तरह से ना, ये जो सन, ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं इसको एस ले रही हूं, एस फॉर सन, तो ये क्या है प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, और यहां से जो किरणें निकल रही है वो आगे बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, और वो कभी आगे नहीं रुकेंगी, अनिश्चित काल तक बढ़ती जा रही हैं। तो ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है, किरण का। तो किरण और रेखा में एक मूल फर्क ये है कि जो रेखा होती है वो किसी भी दिशा में बढ़ाई जा सकती है, ठीक है ना, रेखा किसी भी दिशा में बढ़ाई जा सकती है, किसी भी दिशा में अनिश्चित काल तक, अनिश्चित दूरी तक, है ना, किसी भी दिशा में अनिश्चित दूरी तक बढ़ाई जा सकती है, अनिश्चित दूरी तक बढ़ाई जा सकती है, किंतु किरण, किंतु किरण सिर्फ एक ही दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है, यानी कि आगे लगातार बढ़ती रहती है, बिना किसी अंत के विस्तृत होती है, विस्तृत होती है। ठीक है, तो इसको हम, आपने से समझ लिया, रेखा किसी भी दिशा में अनिश्चित दूरी तक बढ़ाई जा सकती है, किंतु किरण यानी कि रे सिर्फ एक ही दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है। इसको हम समझते हैं, जैसे ये है एक किरण, तो किरण में सिर्फ एक तरफ एरो लगेगा जहां ये बढ़ेगी, क्लियर है, ये इसका पॉइंट है जहां से इस किरण का प्रारंभ हुआ। ठीक है, टॉर्च के मायने में ये क्या था, बल्ब, और सन के मामले में ये सन खुद था। तो ये जो पॉइंट है इसका जहां से किरण शुरू होती है, इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, क्या बोलते हैं, प्रारंभिक बिंदु, यानी कि जो इसका पॉइंट सोर्स है, जो बिंदु स्रोत है, वो क्या कहलाता है, प्रारंभिक बिंदु, है ना, इसको हम आम भाषा में हम इसको कह सकते हैं बिंदु स्रोत, जो है, जो इसका बिंदु स्रोत है। ठीक है, ये आम भाषा में है बच्चों, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ज्योमेट्रिकली हम इसको प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, और ये आगे बढ़ रही है, यहाँ पर कोई पॉइंट P भी है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से A और P, तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं, A, P और एक साइड एरो। ठीक है,
देखो अगर ए और पी में दोनों साइड एरो है तो ये है रेखा, क्या है ये रेखा, और अगर सिर्फ एक साइड एरो है तो ये है किरण, क्या है ये किरण। तो समझ में आ गया फर्क, ये जो एक साइड आगे बढ़ेगी वो किरण होगी और जो दोनों साइड किसी भी दिशा में आगे बढ़ती रहती है वो क्या हो जाएगी रेखा हो जाएगी। और हाँ अगर ये है ठीक है ये रेखा खंड है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीजें समझ भी आ रही होंगी क्योंकि रेखा खंड की तो एक निश्चित लंबाई हो जाती है, जैसे 5 सेंटीमीटर का रेखा खंड खींचना है, 2 सेंटीमीटर का रेखा खंड खींचना है ठीक है, वहां तो एक निश्चित दूरी हो जाती है, वो तो फिक्स होता है, वो नहीं बढ़ता फिर आगे ठीक है। लेकिन रेखा दोनों तरफ आगे बढ़ सकती है और किरण जो होती है एक दिशा में आगे बढ़ती है। क्लियर, ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो है कर्व यानी कि वक्र, वक्र जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं कर्व। क्लियर है, देखो बच्चों वक्र का मतलब क्या होता है, आप कागज पर कुछ भी लाइनें खींचो, ये 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 सारे के सारे जो हैं वो क्या है वक्र है। जब हम कागज पर पेंसिल से किसी भी प्रकार की लाइन खींचते हैं तो वो सारे के सारे क्या होते हैं वक्र कहलाते हैं ठीक है। कागज पर पेंसिल से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचें रेखाएं खींचे तो प्राप्त आकृतियां वक्र कहलाती हैं, वक्र कहलाती है ठीक है। अब देखो बच्चों जब आप वक्र की बात सुनते हो तो आपको लगता है कि वक्र का मतलब है जो कर्व है जिसमें गोलाई है जो सीधा नहीं है ठीक है। आम भाषा में वक्र का मतलब होता है सीधा नहीं, लेकिन गणित में सीधा भी वक्र हो सकता है, ये बच्चों याद रखना। अगर ये लाइन है और मैं इसको बोलूं ये वक्र है तो साइंस मैथ्स की लैंग्वेज में ये एक वक्र है ठीक है। तो गणित की भाषा में जो सीधी रेखा होती है वो भी क्या होती है वक्र होती है, गणित में सीधा भी वक्र हो सकता है, सीधा भी वक्र हो सकता है ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ कर्व्स को ड्रॉ करेंगे और आप देखना बच्चों मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ कर्व्स हम ड्रॉ करेंगे। देखो ये कुछ इस तरह से, ये फिगर वन ओके, उसके बाद ये फिगर टू, उसके बाद ये फिगर थ्री, उसके बाद फिगर फोर, ये पॉइंट ए ले रखा है ये बी ले रखा है ठीक है, और एक पॉइंट आगे और है। इसके बाद कुछ इस तरह से फिगर फाइव, फिगर सिक्स ओके, और फिगर सेवन। तो बच्चों ये जो फिगर्स हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवन, इन फिगर्स को आप देखो ये सारे के सारे क्या हैं वक्र हैं, सारे के सारे क्या हैं वक्र है। कंफ्यूज मत होना आप, गणित की लैंग्वेज में जो ये है ये भी क्या है गणित की भाषा में वक्र है। क्लियर है, अब देखो बच्चों इन वक्रों में आपको दो वक्र ऐसे दिख रहे होंगे जो एक दूसरे को काटते हैं, एक तो ये वाला वक्र और एक ये वाला वक्र ठीक है। जो ये वाला वक्र है ये भी यहाँ पे एक इसको काट रहा है
ठीक है, काट रहा है मतलब फिर आगे बढ़ भी रहा है। ओके, जैसे अगर ये यहाँ पे रुक गया ना, ये अगर आगे बढ़ेगा या कोई नई फिगर बनेगी तब हम इसको बोल सकते हैं। अगर ये नहीं जो याली फिगर है ये नहीं आएगी इस कैटेगरी में, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं फिगर 3 एंड फिगर 7। अब देखो बच्चों, इसमें यहाँ पे ये काट रहा है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है इसमें क्या हो रहा है, काट रहा है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर ये काट रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, क्लियर है। तो ऐसे भी वक्र होते हैं जो अपने को काटते हैं, ऐसे भी वक्र होते हैं जो खुद को काटते हैं, ठीक है। और जो बाकी वक्र है, जैसे ये वाला वक्र, सॉरी, जैसे ये वाला वक्र हो गया, ये वाला वक्र हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया, इन दोनों के अलावा जो बाकी वक्र हैं वो अपने को नहीं काट रहे हैं। तो जो वक्र अपने को नहीं काटता उसको हम क्या बोलते हैं, सरल वक्र कहते हैं। यानी कि ये सारे के सारे सरल वक्र हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, एक इस वाली फिगर को छोड़ के और एक इस वाली फिगर को छोड़ के, यानी कि ये, ओके, और ये क्या है, ये सरल वक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने को काट रहे हैं, क्लियर है। तो हमने क्या समझा, यदि कोई वक्र स्वयं को ना काटे तो सरल वक्र, सिंपल कर्व, सरल वक्र कहलाते हैं, सरल वक्र कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो एक और टॉपिक हम इसे कर लेते हैं, खुला वक्र तथा बंद वक्र, खुला वक्र और बंद वक्र। अब इन दो फिगर्स को आप देखेगा, एक तो ये है और एक ये है, आपको खुद समझ आ रहा है, ये तो है खुला वक्र यानी कि ओपन, और ये क्या है, क्लोज यानी कि बंद है, जिसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो उसके अंत बिंदु से मिल रहा है। यहाँ पर ये प्रारंभिक बिंदु है और ये, यहाँ पर ये है प्रारंभिक बिंदु और ये है अंत बिंदु, ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु एक दूसरे से मिल रहा है। तो ये क्या है, खुला वक्र है और ये बंद वक्र है। आगे की हमारी क्लास बंद वक्र पर रहेगी, जिसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बहुभुज, यानी कि जो हम बहुभुज पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चों बहुभुज, जिसको हम बोलते हैं पॉलीगंस। और ये जो है ये कौन किस में आएगा, बंद वक्र में, ठीक है। तो खुले वक्र पे हमारी चर्चा नहीं रहेगी, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बहुभुज वो बंद वक्र पे रहेगा, और इसमें हम आगे समझेंगे कि बहुभुज क्या होता है और कितने प्रकार के बहुभुज हमारे कोर्स में है, ठीक है। तो इसमें हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं, इन चैप्टर से रिलेटेड आप जो भी एक्सरसाइज होगी वो आप करेंगे। आज आपने पढ़ा किरण, ठीक है, इसके अलावा आपने वक्र पढ़े, और वक्र में आपने सरल वक्र पढ़ा और बंद वक्र और खुला वक्र, ठीक है। तो बहुभुज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी मैं अपनी क्लास यहाँ पर स्थगित कर रही हूँ, हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसकी एक्सरसाइज कीजिएगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो स्कूल खुलने पर आप इसको पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, आपकी क्लास यहीं पर स्थगित हो।